बार बार मिलोगे क्या अब? मेरा नंबर सही में काट दिया आपने, एक साल बाद इसका कट जाएगा। 1.25 के आसपास एक दिन का वो हो गया तुम्हारा, 1,25,000 रुपए तुम पर डे के हिसाब से दोगे तब ऐसी, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का ब्रेकफास्ट यहीं लेंगे, वहाँ नहीं जा रहे। हाय मॉर्निंग मिथुन, व्हाट टाइम वी आर लीविंग? 9:05। ओके, ऐसी जगह बैठ के ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मजा है। एक तो ये ऐसा ओपन सा गेट है, मतलब देखो ऐसे खुल जाता है ये, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है। और ये सेम, बस ये बंद हो गया, ये सेम गेट हो गया इधर साइड, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। और ये आने के बाद ये मैंने तुम्हें दिखा दिया, वैसे बस बता रहा हूँ कि ये देखो ये यहाँ पे ओपन में ये बना रखा है, और इधर ये जकूजी। ऑल सेट गाइस, वी आर रेडी, हम जा रहे हैं वापस अपना एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, हमारी बोट रेडी खड़ी है, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे हमेशा की तरह। यहाँ पे मिथुन भाई हमें लेने के लिए आ गए हैं, भाई बस दो मिनट, लास्ट दो मिनट। और भाई इंडिया से ही है, भाई इंडिया से, आप कहाँ से हो? इंडिया से कहाँ से? केरला। हाँ तो ये हिंदी भी समझते हैं, हम इनसे कल से वैसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं खाम मुखा। मैंने कहा यार अब पता चला कि हिंदी है, मतलब केरला से है। एक तो यहाँ भाई हवा बहुत तेज है, पूरी वीडियो में तुम्हें वो सुन रहा होगा वो हवा की आवाज़ आ रही है, पर क्या कर सकते हैं, यहाँ तो आएगी आएगी। इंसान को चेकआउट और चेक इन कराते टाइम बहुत इज्जत देते हैं भाई, ले कर जाएंगे ऐसे, छोड़ के जाएंगे वैसे, अपना ऐसे कि पैदल जाओ 1.5-2 किलोमीटर, जो भी है एक्सरसाइज भी हो जाएगी। भाई यहाँ एयरपोर्ट का ऐसा सिस्टम है, लंबी कितनी लाइन लग रही थी, ठीक है, पहले चेकिंग होती है, फिर वो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, वो सारा सिस्टम वो करके, और जिसको अगर कोई लेट हो रहा हो ना, तो ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट वाले लोग खड़े हैं कि भाई ये लेट हो रहा है इसे जाने दो, ऑटोमेटिक अपने आप ही जितने भी जो अंग्रेज से भाग के आ रहे हैं कि एक्सक्यूज मी आई एम गेटिंग लेट प्लीज़ ऐसे करके, और आगे चले जा रहे, और कोई रोक नहीं रहा। अगर इंडिया में ऐसे रोक रहे होते ना, तो फिर कोई ना कोई तो ऐसे कह देता कि लाइन में हम क्या बेवकूफ़ खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं, जो जल्दी आता लेट हो रहा है तो, पर यहाँ ऐसा किसी ने नहीं कहा। अच्छी लगी ये चीज़ मेरे को। अब कुछ खा लेते हैं, क्या खाओगे? यार बहुत ही चीप सा एयरपोर्ट है, मतलब बहुत ही छोटा सा और वैसा सा कंजस्टेड सा, लेकिन इसका रीज़न होता है पता क्या, जो कंट्रीज़ या जो सिटीज़ जैसे होता ना कि जो सिर्फ टूरिज़म पे ही डिपेंडेंट हो पूरी तरह से, वहाँ का ऐसा हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर जगह जहाँ भी तुम जाओगे ना ऐसी जगह देखोगे वहाँ ऐसा ही पाएगा। ऑल डन गाइस, फाइनल हमारा सिक्योरिटी चेक इन करके हम आ चुके हैं बाहर। यार इन वाले में कब बैक नहीं है, हम जो अलग अलग सी हैं। छोटा सा एयरपोर्ट है पर जगह के हिसाब से ठीक बना रखा है इन्होंने, फुल है, फिर से हम सबसे लास्ट। 4 घंटे की फ्लाइट है, मस्त सोते हो जाएंगे अब, ठीक है। अपने बैग रखते हैं वो कैसे आते हैं, देखो ऐसे ऊपर से ये लगा देते हैं, इसमें आ रहे हैं, ये रखता जाएगा, अब इसके अंदर सारे ये आया और ये रखा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मतलब फ्लाइट से आते ही देख रहे हो क्या खतरनाक एग्जिट दे रखा है, दौड़ो ही दौड़ो चारों तरफ। अच्छा वाह वाह मम्मी, क्या चीज है, किसकी पसंद की टेस्टी मिठाई? ऐसा भी कुछ होता है मिठाई खिलाने का सिस्टम?
सुनाइए क्या हाल है आपके, हमसे तो मिल लो, हमसे तो मिल ही ना रहे। मेरा नंबर कट गया और तेरा मेरा नंबर सही में काट दिया आपने। एक साल बाद इसका कट जाएगा। एक साल बाद क्यों कट जाएगा? अरे चलो भाई, लो भाई लाइट वाइट जला दी मम्मी ने, कर रखा अंदर मम्मी लाइट जला रखी। नंबर वाइज काम होना चाहिए ना। जतिन है नहीं घर पे, वो गया है वहां, कहां बताऊंगा कहां गया है, कुछ काम से गया है दूर थोड़ा सा, अपने पर्सनल काम से, जब वो चीज होएगी जब बताऊंगा। तो बार बार मिलोगे क्या अब? किसके लिए थे भाई? कोई ना खाएगा तो खराब थोड़ी होएंगे। मम्मी कह रही कि भाई वो जतिन ला के रख के गया है तुम्हारे लिए, ऐसे ऐसे मतलब रसगुल्ले वो ढोकला, वो गया अपना कुछ काम करने के लिए, कह रही है खा लो, तो हमने ऐसे मना कर दिया एक एक बार की अभी भूख ना लग रही मम्मी ऐसे, तो मम्मी गई, मम्मी ने जाकर डाला, तो मैंने सोचा मम्मी डाल के देंगे कि खाओ एक एक खाओ। इतनी जबरदस्ती थोड़ी कर, मैंने सोचा अब डाल के फिर दोनों मतलब एक उसमें रसगुल्ला डाल लिया और फिर ढोकला डाल लिया, तो मैंने सोचा कि अब कहेंगे कि लो खाओ थोड़ा थोड़ा तो खाए करें, ऐसे इतने दूर जाए हुई है, और मम्मी लाई यार रखा, रखने के बाद भी मैंने सोचा चलो अब कहेंगे कि बैठो खाओ, मम्मी फिर चम्मच लाई और मम्मी खाना शुरू कर दिया। अंदर ही खाया है तो मम्मी के खाओ। अंदर कहाँ खाया है वो, तो मैंने रसगुल्ला खाया था बस, एक ढोकला थोड़ी खाया था, आप प्यार से देते तो मैं खाता यार। अभी रुचि ने बोला कि हम खा खाए हैं। कहाँ खा खाए हैं पूछ ले, कहाँ खाया? फ्लाइट में। फ्लाइट में ओके। बेटा मम्मी हो गया तू खाली आता का बढ़ गया, मम्मी के लिए कुछ लाया ऐसा भी हो गया क्या? आप सेब वो लेकर आने थे, सेब केला लेकर आने थे, कोई बढ़िया सी चीज लेकर आता, डिश विश कुछ बढ़िया ढूंढ कर। ओ अब जाएंगे ना मम्मी, अभी मम्मी एक काम करो अभी चलते हैं, सोनू अभी का एक स्कीम है, सोनू का ब्याह ना करूं मैं। क्यों? वो भी बदल जाएगा फिर। नहीं मैं कह रहा हूँ एक स्कीम है बहुत खतरनाक, कपड़े चाहिए आपको, कपड़े लाने हैं कुछ भी है तो चलो फिर तैयार हो जाओ, ठीक है 15 मिनट में तैयार हो जाओगे भाई? 15 मिनट खुल जाएगा, वो आपको वही बताऊंगा चल गई, बहुत खतरनाक स्कीम है और डिस्काउंट भी है। हाँ आप कैसे बताओ? अच्छा एक यार खतरनाक स्कीम लेके आया था मम्मी के साथ, पर वो हमारी पर्सनल है, हमें बताया बस। चल 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 चले, चलो तो हो जाओ रेडी हो जाओ। चल को लाना है कुछ? हाँ बहुत सारी चीज लानी है, अपने लिए कुछ ना लेना। तो फिर मम्मी की ना ये आदत बहुत बेकार है, मम्मी जब हमने एक बार पहले वो दिया था ना 50% डिस्काउंट का स्कीम दी थी मम्मी को, मैंने सोचा मम्मी कुछ मतलब मम्मी ने खरीदे ना करती सामान, तो मैंने इसको बोल दिया कि मम्मी कुछ भी चीज़ ऑर्डर करने के लिए कहे ना तो मम्मी को बोल दो 50% डिस्काउंट है ताकि मम्मी खरीद लें। मम्मी ने फिर मम्मी क्या हुआ कि पहले तो जरूरत जरूरत की चीज़ मंगाने लगी, भाई इसकी ज़रूरत है मंगा लिया, फिर मम्मी को हम होगा बेफालतू चीज़ की, ये भी ऑर्डर कर दे, बेफालतू की कोई चीज़ मंगवाई आज तक मैंने? 50,000 रुपये का सामान मंगवाया था आपने, वो भी ये फ्लिपकार्ट अमेजोन से, 50,000 बहुत हो जाते हैं उस पर अमेजोन पर क्योंकि सस्ता सामान है वहाँ सारा। चलो आप तैयार हो जाओ फिर चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सब? अरे वाह आपके चैनल पे वीडियो निकालनी पड़ेगी, मतलब याद दिला रहे हो भाई, मम्मी कर रही है मंदिर साफ। तू बदल गया भाई। मैं क्या? अच्छा भाई देखो बेटा तुम मत आना सारे, ये बदल गया ना। कैसे बदल गया भाई? ये मेरी वीडियो नहीं बनाता, पहले बनाता था। आपके चैनल की शर्मा फैमिली की यार, उस पर कोई चैलेंज वीडियो निकालनी पड़ेगी, करेंगे जल्दी कर। हैं बच्चे बोलते हैं Q&A निकालो, Q&A वीडियो, Q&A वीडियो मम्मी वाले चैनल। अरे मम्मी सही कह रहे हो, Q&A वीडियो आपके चैनल पे निकाल सकते हैं ना, ये काम करा जा सकता है। जतिन आ जाए फिर देखते हैं, आ जाए फिर करते हैं प्लान, ठीक है? लो इतने तुम आज नज़ारे ले लो यहाँ के बहुत टाइम बाद। पहले तो ये बताओ मेरा ये दुल्हा स्टाइल कुर्ता कैसा लग रहा है? इसके नीचे तो मैंने शॉर्ट्स पहन रखी है, पर ये कुर्ता देखो इसमें वैसे ही चिट बटन से ऐसे खुल जाते हैं। ये मैं पहले लेके आया था कि भाई रात को पहन के सो जाया करूँगा, लेकिन फिर मैं से कहीं रख के भूल गया, अब वापस आया हूँ तो मेरे को बेड पे रखा हुआ मिला, मम्मी ने रखा हुआ सामान जो मेरा एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, मम्मी कह रही है इसका टैग भी लग रहा था, मैंने रात को ही तोड़ा। फिर मेरे को याद आया मेरी मेन चीज़ तो ये रह गई थी, अब मैं बताता हूँ तुम्हें भाई। तुम बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई क्या सीन रहा, पूरा बताओ मोल्ड उसके बारे में क्या क्या था क्या क्या नहीं। भाई देखो सबसे पहले अंदर बैठ के बताता हूँ सोफे पे। तो भाई वहाँ का सीन कुछ ऐसा सा है, मोल्ड क्या है बेसिकली, वहाँ पे है मेरे ख्याल में 1200 आइलैंड्स टोटल, ठीक है गूगल करा था 1200 आइलैंड्स हैं। अब उन आइलैंड्स को पूरा इकट्ठा कर दो तो वो एक जगह बन जाती, मतलब सब पूरा उसको इकट्ठा करके एक पूरी कंट्री बना दी कि भाई ये मोल्डीव्स हो गई, ठीक है। अब उसमें 1200 आइलैंड्स हो गए, वहाँ पे पूरा अगर हम टोटल हिसाब निकालें तो जो लैंड है और पानी का रेशो आता है वहाँ पे हो गया कि 1% सिर्फ ज़मीन है, 99% पे पानी है,
ठीक है, मतलब तुम अगर जब हम उसके ऊपर से भी जब पहुंचते हैं तो 15-20 मिनट लास्ट के फ्लाइट से भी जा रहे होते हैं तो 15-20 मिनट से पानी ही पानी दिखता है, भयंकर समुंदर दिखता है। ठीक है, जो लैंड बन रहे हैं जैसे जो होटल वगैरह बन रहे हैं सारा कुछ मिला के 1% ऐसा बोलते हैं कि 99% पानी 1% लैंड, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो 1% भी नहीं होएगा, शायद पूरा उससे कम ही होएगा, इतना भयंकर पानी है वहाँ पूरे में पानी पानी, वो तुमने देख भी लिया व्लॉग में। और ऐसा बोल रहे हैं कि 2030 तक जो पानी है ना, मतलब जो उस पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 2030 तक जितना भी ये आइलैंड्स बन रखे हैं सारे डूब जाएंगे, सिर्फ पानी और सिर्फ पानी रह जाएगा, मतलब वहाँ पे सारा जमीन वमीन का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो सिटी रहेगी, अगर मतलब मालदीव्स को दुनिया की फ्लैटेस्ट कंट्री बोलते, फ्लैट मतलब ऐसे फ्लैट है सीधी, ज़्यादातर जमीन उसमें फ्लैट है, मतलब ऐसे दूर तक देख सकते हो तुम क्या है। हमारे यहाँ तो ऐसा ना भाई, थोड़ा सा ऊंचा नीचे, जैसे कोई सा गांव ऊपर है कोई शहर नीचे है, कुछ भी ऐसे करके है, वहाँ बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई खर्चे की क्या है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के साथ जो चीज़ होती होगी, मालदीव्स की क्या है, फ्लाइट टिकट सस्ती हैं कंपेरेटिवली अगर तुम कहीं और जाते हो तो। मतलब ये लगा लो कि जैसे हमने इमीडिएटली करी थी भाई, सेम डे बुक करी थी, एक दिन पहले बुक करी थी, तो हमारा ये था कि हमारा 14,000-15,000, 13,000-13,500 मतलब इतने की कुछ पड़ी थी। तो फिर भी तुम मान लो कि 15,000 से नीचे तुम मतलब दिल्ली से वहाँ मिल जाती है, गोवा से, हमने तो गोवा से ली थी खैर, तो हमारी 13,500 कुछ की थी, मतलब इतने की लगा लो 13,000-14,000 रुपये की टिकट एक साइड की एक बंदे की। ठीक है, तो 13,000 जाने के, 13,000 एक तरह से आने के, ऐसा लगा लो। ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई 13,000 की सस्ती टिकट्स है, मालदीव्स का नाम सबने सुनी रखा है कि भाई हनीमून डेस्टिनेशन तो है ही नाम है, तो लोग सोचते होंगे कि बुक कर लेते हैं। जैसे हमने भी सोचा कि एक दिन पहले बुक कर लेंगे, और हमने इतना दिमाग भी लगाया एक बार शुरू में कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हमने सोचा बुक कर लेते हैं। फिर हमें पता चला जब रात को बैठ के ऐसे ही देख रहे थे कि भाई वहाँ के लिए कुछ टैक्सी करनी होगी या होटल का जो भी है सारा सिस्टम देख रहे थे, तो पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई सारा कुछ पानी में है, तो ऐसा है नहीं कि गाड़ियां चल रही है बहुत सारी। गाड़ियों वाला जो सीन है वो है सिटी में, जो सिटी जो छोटी सिटी, अब वहाँ पे क्या है कि बस ये है कि बीच व्यू मिल जाएगा तुम्हें कि भाई होटल के सामने बीच है, लेकिन जहाँ मालदीव्स का जो स्पेशल है वो वाटर विलास जहाँ हम रुके थे। अब ऐसे बहुत सारे, मैंने बताया 1200 आइलैंड्स है, तो उसमें से बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पे ऐसे वाटर विलास बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी अब कैटेगरीज होती हैं कि एक तो मैंने जो तुम्हें वो अंग्रेजों का दिखाया था जो मतलब वाटर विला के अंदर भी गार्डन व्यू लेके रह रहे थे, या कुछ एक होते हैं प्रॉपर वाटर विला जैसा अपना था, ठीक है, वो होते हैं सबसे मतलब होटल के जो महंगे वाले होते हैं वो होते हैं। अब जो हमारा था उसमें क्या सीन था, उसमें दो वो थे, एक सनराइज व्यू मतलब जहाँ से सूरज उगता हुआ तुम्हें दिखेगा वो वाला व्यू, अब वो हम ले नहीं सकते थे क्योंकि हम उगते हुआ तो देख ही नहीं पाते, हम लेट उठते हैं, ठीक है, तो जब तक उठते जब तक वो बहुत ऊपर आ चुका होता। दूसरा होता सनसेट व्यू जो हमने लिया था, सनसेट व्यू के वहाँ पे 20,000-22,000 रुपये एक्स्ट्रा पर डे, ऐसा सीन था। अब हमारा जो होटल था उसका मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, वीकेंड पे मैंने देखा जब उस टाइम पे, तो स्क्रीनशॉट भी लिया था, तो भाई वो हमारा दिखा रखा था 1,00,000 कुछ का वन डे, ठीक है, प्लस टैक्सीज भी उनके 20,000-22,000 रुपये टैक्सीज होते हैं, तो एक तरह से 1,25,000 के आसपास एक दिन का वो हो गया तुम्हारा, 1,25,000 रुपये तुम पर डे के हिसाब से दोगे तब ऐसे ही, ठीक है। वो भी शायद सनराइज का कुछ दिखा रखा था, सनसेट का उसमें भी 20,000 रुपये पड़ के मिल रहा था, पर अपने को तो इतने का ही पड़ गया था, तो एक तरह से ये लगा लो तुम 1,25,000 एक दिन का, और दो दिन का हो गया तुम्हारा 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये के तुम्हारे सिर्फ इसके हो गए विला के जो तुम लेके रहोगे वहाँ पे उस चीज़ के, ठीक है। अब इसमें जो फ्लाइट टिकट्स है वो अलग हो गई, फ्लाइट टिकट्स तुम ये लगा लो हमारे तो एक बार कैंसिल भी हुई है, कैंसिल का मतलब जो उठ नहीं पाए थे हम उसकी वजह से, तो हमारा पड़ गया ये 30,000 90,000 2,250 3,40 और कुछ कुछ वहाँ एक आध छोटी मोटी फी होती है वो 3,50,000-3,50,000 रुपये तुम मान के चलो एक मोटा मोटा, सिर्फ दो दिन के 3,50,000 रुपये जो तुम्हारा है कि अगर तुम्हें ढंग से रहना है वहाँ पे तो ऐसा इतना लग जाएगा। अब इसमें लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ऐसा होता है इसमें क्या है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसमें ही होता है, सारा पैकेज लेना पड़ता है कि अगर तुम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो वो अलग अलग सीन होता है, ठीक है। अगर बाय चांस तुम वहाँ पे ये करते हो कि भाई तुमने पैकेज वैसा वाला नहीं लिया, तुमने सिर्फ होटल का रूम बुक कर लिया, मम्मी सुन रहे हो ना आप भी हैं, तो उसमें अगर क्या है कि अगर मान लो हमने होटल का सिर्फ रूम बुक कर लिया ना, तो खाने पीने में हमारे इतने पैसे लग जाएंगे क्योंकि हर चीज़ ऐसे है कि डॉलर्स के हिसाब से, तो डॉलर्स का हिसाब है, ऊपर से फिर ये नहीं पता कि क्या टेस्टी होगा क्या नहीं होगा, तो वो खाने का बहुत मोटा बिल बैठेगा। दूसरी चीज़ खाने का, चल फिर भी लोग ऐसा कर लेते होंगे जो अगर कोई बुक नहीं करके जा रहा था वो सोचते होंगे कि भाई ब्रेकफास्ट कर लें फिर उसके बाद लंच स्किप करते हैं डिनर कर लेंगे सीधा, ऐसे करते होंगे बहुत सारे लोग जिनको मतलब थोड़ा पैसे बचाने हैं या फिर ऐसे होता है भाई कर लेते हैं लोग, ठीक है। लेकिन उसके अलावा फिर ये रहेगा कि जो तुम्हारा एयरपोर्ट से होटल तक के लिए जो तुम्हारी स्पीड बोट होती है, जो हम जिसमें हम गए थे वहाँ पे दो तीन तरीके हैं, एक तो स्पीड बोट, एक सी एयरप्लेन भी है, सी प्लेन भी होता है, पर सी प्लेन होता है जो थोड़ा सा दूर जिनके होटल हो वो, तो हमारा तो ज़्यादा दूर था नहीं, 15 मिनट का रास्ता था शायद, तो सी बोट से ही हम गए थे। अब सी बोट का भी एक बंदे का मांग रहे थे वो $700 एक बंदे का, एक साइड का मतलब एयरपोर्ट से लेकर होटल छोड़ने का $700 का मतलब हो गया
60,000 रुपये एक बंदे का एक साइड का। तो अगर हम दोनों ऐसे अलग से जाते तो 120 एक साइड का, 120 आने का, 240 तो हमारे इसमें लग जाते। इसका रीज़न बताता हूँ क्या, कि जो आइलैंड है वो अब पर्सनल, मान लो मेरा आइलैंड हो गया, ठीक है, मेरा उस आइलैंड पे मेरा ही होटल है, मेरा ही रेस्टोरेंट है, मेरे ही सी बोट है, सब कुछ मेरा है, तो वहाँ रेट्स जो होंगे वो भी मेरी मर्जी से ही चलेंगे, है ना। तो उन्होंने अपने रेट्स खुद फिक्स कर रखे क्योंकि उनका कमाने का जरिया ही बस ये है, दूसरा कुछ काम तो है नहीं, इसका होटल का ही इनका काम है, तो उन्होंने अपना रेट फिक्स कर रखा है। और भाई बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, इसलिए अगर कभी भी जाओ मोल्डिव की साइड कभी भी जा रहे हो तो सारी चीज़ें पहले से ही बुक करके जाओ, यहीं से किसी कहीं से भी कर लो, मतलब जो भी तुम्हें ऑनलाइन ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से कर लो, पर पहले से सारी चीज़ें बुक करके जाओ। अगर तुम वहाँ जाके करोगे तो मैं बता रहा हूँ कम से कम डबल ट्रिपल महंगा पड़ जाएगा। और हर जगह की तरह यहाँ पे भी तुम्हें, मतलब मॉल्डीव्स में भी तुम्हें थोड़ा सा इंडियन फूड्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ जाता है। मतलब यहाँ तो फिर भी जो हमने होटल करा था ये मैंने देख के करा था कि इंडियन फूड यहाँ का थोड़ा सा ठीक होता है, अदरवाइज थोड़ा सा क्या है वेजिटेरियन, मतलब वेज फूड जो होता है उसमें तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह ये है इसी नॉन वेज बढ़िया बनाते हैं, और वेज में पता नहीं इनका क्या हो जाता है, इनका शेफ पता नहीं क्या क्या खा के पैदा कर रखे होते हैं, उन्हें वेज बनाना ही नहीं आता शायद ढंग से। तो ये वाला सीन है भाई, ठीक है मैंने तुम्हें सारा बता दिया, अब कुछ और डाउट रह गए हो तो अगर मेरे को बता देना, मैं कमेंट कर देना, मैं उन्हें भी क्लियर कर दूंगा अगले व्लॉग में। इसके अलावा जो चीज़ है, जो मेरे कुछ भाई बंधु होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, नहीं वो बता दूँ भाई वहाँ ज़मीन खरीद नहीं सकते, या आइलैंड मतलब तुम खरीद नहीं सकते, जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के हैं, और वो तुम लीज़ पे ले सकते हो, लीज़ पे मतलब 20-25 साल 30 साल की भी लीज़ कर सकते हो, पर खरीद नहीं सकते, ये वाला सीन है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता कुछ अपने भाई बंधु ऐसे जो वो सीधा यही कहें कि वहाँ खरीद सकते हैं, वो बना दें, तो अगर तो वो वाला सीन नहीं है भाई, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और डाउट हो तो बता देना मेरे को कमेंट करके। अब मैं ले लेता हूँ अपना दूध लड्डू। मम्मी जी कहाँ हो? मम्मी तो यार वो कर रही है भाई, पूजा कर रही है। मम्मी दूध लड्डू तो दे दो यार थोड़ा सा, चलो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके मॉम, हेलो। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, एडिट करके डालना भी है भाई। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।